नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुभाष कौर। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऑडियो खूब वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है ये जो वायरल वीडियो है वो सरकार के एक कैबिनेट मंत्री का है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन कांग्रेसी नेता इस ऑडियो को लेकर अपने कई बयान सोशल मीडिया पर जारी कर रहे हैं। हालांकि उस ऑडियो की बात की जाए तो उस ऑडियो में अश्लील बातें की जा रही हैं, जिसमें एक तरफ उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री बताए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ एक महिला है जो कि उस वीडियो में उस ऑडियो में अश्लील बातें करती हुई नज़र आ रही हैं। हालांकि उस ऑडियो की पुष्टि में कौन है, उस ऑडियो की दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री हैं या नहीं, इसका भी हम दावा नहीं करते हैं। लेकिन क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े प्रवक्ता सभी लोग सोशल मीडिया पर खूब इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि भाजपा सरकार के जो वरिष्ठतम नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, उनकी करनी और कथनी में अंतर है और वो महिलाओं को किस तरीके से सम्मान देते हैं वो इस ऑडियो में नज़र आ रहा है। यानी कि ये साफ है कि चुनावी माहौल में इस तरीके के ऑडियोस और कई वीडियोस खूब वायरल की जाती हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यदि ये ऑडियो सही है तो इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ सकता है, और यदि ऑडियो फेक है तो कहीं ना कहीं राजनीति में इस तरीके के ऑडियो को लाना एक गलत मैसेज भी देता है, क्योंकि चुनाव के समय में ज़रूरी थी कि जनता के बीच उन मुद्दों को रखा जाए, उन कामों को रखा जाए जो प्रदेश सरकार ने किए, या फिर विपक्ष की तरफ से वो मुद्दे रखे जाएँ जो राज्य सरकार ने नहीं किए। लेकिन इनसे उलट इन दिनों उत्तराखंड में एक अलग ही राजनीति देखने को मिल रही है। पिछले दिनों जिस तरीके से मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही जा रही थी, तो अब एक वायरल वीडियो सोशल मीडिया में बहुत तेज़ी से तैर रहा है और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन इतना साफ है कि इस तरीके के ऑडियोज और वीडियोज कहीं ना कहीं चुनाव के समय खूब सुर्खियाँ बटोरते हैं और जनता के बीच भी एक अलग प्रकार का मैसेज देने की कोशिश करते हैं। यदि ये ऑडियो फेक है तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की छवि धूमिल करने की भी कोशिश की जा रही है, और यदि ये ऑडियो सही है तो जनता को और प्रतिनिधियों को सोचना चाहिए कि आखिरकार ऐसे नेताओं के साथ क्या किया जाए। ऐसी और भी कई ज़रूरी जानकारी आपको देते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।